नमस्कार जोहार, झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। जेपीएससी संयुक्त पीटी परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी, 4,885 उम्मीदवार देंगे मुख्य परीक्षा। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी ने हाईकोर्ट में प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया है। कुल 4,885 उम्मीदवार अब मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। संशोधित रिजल्ट में अनारक्षित श्रेणी से 1,552, अनुसूचित जाति की कोटि के अंतर्गत 362, अनुसूचित जनजाति कोटि के अंतर्गत 1,002, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 कोटि के अंतर्गत 994, पिछड़ा वर्ग 2 कोटि के अंतर्गत 681 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत 294 उम्मीदवार पास हुए हैं। रांची से 3 मार्च को दक्षिण भारत तीर्थ दर्शन के लिए रवाना होंगी स्पेशल ट्रेन, जाने कितना है किराया। कोरोना के कम होते मामलों के बाद देश के अलग अलग तीर्थस्थल तीर्थयात्रियों के दर्शन के लिए खुल चुके हैं। इसी बीच एक अच्छी खबर है कि अब खासतौर पर झारखंड और बिहार के लिए श्रद्धालुओं के लिए 2 मार्च से दक्षिण भारत यात्रा पर्यटन ट्रेन का शुभारंभ होने जा रहा है। यह ट्रेन बिहार झारखंड के कई शहरों और स्टेशन से होते हुए मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, मदुरई और कन्याकुमारी की यात्रा करवाएगी। यह पूरी यात्रा 13 रात और 14 दिनों की होगी। इस ट्रेन में 750 यात्री होंगे और पूरी यात्रा स्लीपर कोच के माध्यम से पूरी होगी। यह ट्रेन जयनगर से रांची हटिया 3 मार्च को खुलेंगी। हेमंत सोरेन की शराब नीति का झामुमो एमएलए लोबिन हेम्ब्रम ने किया विरोध, बोले शिबू सोरेन का अपमान। बोरियो से झामुमो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी ही सरकार की शराब नीति का विरोध किया। उन्होंने गोड्डा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शिबू सोरेन झारखंड में शराबबंदी के समर्थक है। ऐसी स्थिति में हेमंत सोरेन की घर शराब बेचने की नीति शर्मनाक है, मैं इसका विरोध करता रहूंगा, यह शिबू सोरेन का अपमान है। लोबी ने कहा कि मेरे नेता शिबू सोरेन हैं और हमेशा रहेंगे। हेमंत सोरेन मेरे नेता नहीं हो सकते, वे सदन के नेता हैं। यह हम मानते हैं कि शिबू सोरेन न सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं बल्कि वे आदिवासी समाज के मान सम्मान के प्रतीक हैं। सरकारी स्कूल में शिक्षक की जगह उनका बेटा बच्चों को पढ़ा रहा, ग्रामीणों का दावा। एक सहायक शिक्षकों का पुत्र अपने पिता के बदले विद्यालय में योगदान दे रहा है और शिक्षा विभाग का भनक तक नहीं लग पाई है। मामला गिरिडीह जिला के बिरनी प्रखंड के अंतर्गत उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय रजमनिया नीचे टोला का है। गुरुवार को ग्रामीणों ने स्कूल पर धावा बोल दिया। शिकायत पर हिंदुस्तान की एक टीम ने विद्यालय की पड़ताल में पाया गया कि उक्त विद्यालय में 2 पारा शिक्षक हेमलाल शाह और चक्रधर प्रसाद यादव नियुक्त हैं। बिजली संकट की चपेट में झारखंड, जाने क्या है वजह, कब तक बेहतर होंगे हालात। झारखंड में पिछले 2 दिनों से बिजली संकट गहराया हुआ है। राजधानी रांची समेत राज्य के प्रमुख शहरों में 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में किस्तों में 4 घंटे से अधिक कटौती की मार पड़ने लगी है। रांची में खासतौर पर किस्तों में व्यस्त समय सुबह 7 से 9 और शाम 6 से 8 बजे के दौरान बिजली कटौती से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। झारखंड में बिजली संकट की यह स्थिति केंद्रीय आवंटन से मिलने वाली बिजली में 200 से 250 मेगावाट की कमी और इनलैंड पावर से 50 मेगावाट की आपूर्ति नहीं होने के बनी है। राज्य में बुधवार को मांग की तुलना में 300 से 350 मेगावाट बिजली की उपलब्धता कम रही। झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से बिजली प्रबंधन का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड में आधार कार्ड बनाना होगा आसान, आम लोगों को मिलेगी राहत, जानिए तैयारी। आधार कार्ड बनवाने या आधार कार्ड में किसी तरह की अपडेट कराने की समस्या से जूझने वाले लोगों की परेशानी अब दूर होगी। आम लोगों को आधार पंजीकरण सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से झारखंड के गूगल की सभी पंचायतों, वार्डों एवं शहरों क्षेत्रों में आधार नामांकन, आधार सुधार जैसी सभी महत्वपूर्ण सेवा प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इसके लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग
तथा भारत सरकार द्वारा प्रायोजित संस्था सीएससी व गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड सीएससी एसपीवी के साथ एमओयू भी किया गया है। झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट में सोलर सिस्टम से बिजली का उत्पादन, मिल रही नियमित बिजली, पैसे की भी बचत। झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट में सोलर सिस्टम से 20,025.8 किलो वाट प्रति घंटा बिजली उत्पादित हो रही है। बीएसएल और सेल व डीबीसी के संयुक्त उपक्रम बोकारो पावर सप्लाई कंपनी के ज्वाइंट वेंचर में प्लांट के अंदर व बाहर आधा दर्जन स्थानों पर सोलर सिस्टम लगा हुआ है। सोलर सिस्टम 2019 में ही लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से जगह जगह क्रमवार लगाया गया है। बीएसएल में यह सिस्टम अब तक पूरी तरह सफल है। प्रति घंटा के हिसाब से देखा जाए तो 8 से 10 हज़ार रुपये की बचत हो रही है। इतने नहीं, नियमित बिजली भी मिल रही है। झारखंड में फिर मौसम के करवट लेने के आसार, 3 दिनों तक होगी बारिश। झारखंड में एक बार फिर मौसम करवट लेने के आसार है। 19 फरवरी को आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है और 20 फरवरी से बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 20 फरवरी से 22 फरवरी यानी 3 दिनों तक कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। बताया जा रहा है कि राजस्थान में 17 फरवरी तक पश्चिम विक्षोभ बन रहा है, इसका असर झारखंड में भी दिखेगा। प्लस टू उच्च विद्यालयों को संवारने के लिए सरकार द्वारा पहल की जा रही है। उक्त विद्यालयों को भी निजी विद्यालयों की तरह संसाधन से लैस करने की योजना बनाई गई है। प्लस टू उच्च विद्यालयों को संवारने के लिए सरकार द्वारा पहल की जा रही है। उक्त विद्यालयों को भी निजी विद्यालयों की तरह संसाधन से लैस करने की योजना बनाई गई है। इस कड़ी में सरकार द्वारा 14 करोड़ की लागत से टंडवा व सिमरिया प्रखंड के 5 विद्यालयों को विकसित किया जाएगा। इन विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें टंडवा प्रखंड के कई स्कूल, बचरा को विकसित करने पर 2.79 करोड़, हाईस्कूल मिश्रौल पर 2.63 करोड़, राज्य संपोषित प्लस टू हाईस्कूल खंडवा पर 3.2 करोड़ व सिमरिया प्रखंड के हाईस्कूल बिरऊ पर 3 करोड़ और हाईस्कूल बन्हे को विकसित करने में 3.4 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो पर 10 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप। कारोबारों ने कहा जान से भी मारने की दी धमकी। बागमारा से भाजपा विधायक ढुल्लू महतो पर 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगने की प्राथमिकी बुधवार को राजगंज थाना में दर्ज कराई गई है। इन पर आग्रहयास्त्र चमकाने, चोरी करने, धमकी देने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की भी आरोप है। झारखंड में पारा शिक्षकों की पहली आकलन परीक्षा जुलाई में होने की संभावना, मानदेय बढ़ोतरी की तैयारी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत पारा शिक्षकों यानी सहायक अध्यापक के लिए पहली आकलन परीक्षा जुलाई माह में आयोजित की जा रही है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। हाल ही में लागू सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली के तहत इस परीक्षा में शामिल होना सभी पारा शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगा। यदि कोई पारा शिक्षक इसमें शामिल नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि वह इस परीक्षा में शामिल होने के लिए एक अवसर का उपभोग कर लिया है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पारा शिक्षकों को अधिकतम 4 अवसर प्रदान प्राप्त होते हैं। 1932 का खतियान लागू करने की मांग। झारखंडी जनसंघर्ष मोर्चा के बैनर तले गुरुवार को प्रखंड मुख्यालय में ग्रामीणों जनाक्रोश रैली निकाली। रैली के माध्यम से सरकार ने 1932 का खतियान लागू करने, भोजपुरी, मगही व अंगिका भाषा के स्थान पर झारखंड में खोटा भाषा का दर्जा देने की मांग की। जनाक्रोश रैली में प्रखंड के विभिन्न गांवों से सैकड़ों लोग शामिल थे। झारखंड में बाहरी भाषा नहीं चलेगी, 1932 का खतियान हमारी पहचान, इसे लागू करना होगा, जैसे नारे लगा रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत गिद्दौर मुख्य चौक से हुई। यहां लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना कर पदयात्रा की शुरुआत किया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब प्राध्यापकों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब प्राध्यापकों के लिए भी बायोमेट्रिक हाजिरी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस आशय का आदेश विगत दिनों मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रोदास के सिंह द्वारा किया गया है। विदित होगी कोरोना संक्रमण के कारण विगत कई माह से प्राध्यापकों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी बनाना अनिवार्य नहीं था। इस कारण इन दिनों मेडिकल कॉलेज में प्राध्यापकों की ड्यूटी में अनुपस्थित रहने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद दैनिक जागरण ने इस संबंध में प्रमुखता से खबर छापी थी। बताते चले कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वर्तमान में जूनियर रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट व प्राध्यापक सहित 94 डॉक्टर कार्यरत हैं। इनमें JR और SR
तो अपनी ड्यूटी नियमित तौर पर करते हैं, लेकिन प्राध्यापकों के गायब रहने की शिकायत मिलती रहती है। जमशेदपुर में शहर की सड़कों पर स्टंट करने वालों की खैर नहीं, 4 हाई स्पीड बाइक जब्त। शहर की सड़कों पर हाई स्पीड बाइक लेकर स्टंट करने वालों की अब खैर नहीं। जिले में SSP डॉक्टर एम तमिल बानन ने निर्देश पर ऐसे स्टंटबाजों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गुरुवार से इसे लेकर बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के ट्रैफिक DSP कमल किशोर के नेतृत्व में बिष्टुपुर ट्रैफिक थाना प्रभारी ने अभियान चलाया। इस दौरान क्षेत्र के मोदी पार्क के पास से पुलिस ने 4 हाई स्पीड बाइक जब्त किया है। हालांकि पुलिस को देख बाइक चलाने वाले को मौके से भाग निकलने में, फिलहाल चारों बाइक को थाने में रखा गया है। पासवाने की मांग, कहा सरकारी टीचर अपने ही स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाए। प्राइवेट स्कूल एंड द चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन यानी पासवा ने कहा कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो द्वारा स्थिति में सुधार नहीं होने पर सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में सौंपे जाने की संबंधी बयान वर्तमान हालत को दर्शाता है और बच्चों के भविष्य के प्रति उनकी चिंता को दर्शाता है। सरकार को तत्काल इस संबंध में अध्यादेश लाना चाहिए और नियुक्त होने वाले शिक्षकों की सेवा पुस्तिका में लिखा होना चाहिए कि वे अपने बच्चों को उसी संबंधित स्कूल में पढ़ाएंगे जिस स्कूल में पढ़ाते हैं। शिक्षा की स्थिति में सुधार लाना है तो यह कदम उठाना ही होगा और जरूरत पड़ने पर पासवा इस संबंध में अदालत का दरवाजा भी खटखटाएगा। छात्राओं को शुक्रवार को हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए, कर्नाटक हाईकोर्ट से याचिकाकर्ता। हिजाब मामले को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई के दौरान छात्राओं की ओर से वकील विनोद कुलकर्णी ने कोर्ट से अनुरोध किया कि कम से कम शुक्रवार और रमजान और छात्राओं को हिजाब पहनने की अनुमति मिले। कुलकर्णी ने कहा कि हिजाब पर प्रतिबंध कुरान पर पाबंदी के समान है, कोर्ट ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है। रेल राज्य मंत्री ने गुजरात में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने गुजरात के नवसारी और वलसाड में नेशनल हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट यानी बुलेट ट्रेन परियोजना के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और उसकी तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की। जरदोष ने नवसारी में कास्ट यार्ड में कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने ट्वीट किया, गति और शक्ति के स्वप्न को पूर्ण करने हेतु प्रयासरत हम सब हैं। हिसाब विवाद के बीच कर्नाटक हुबली धारवाड़ में 28 फरवरी तक धारा 100। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।